गोगुंदा लेपर्ड अटैक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री जी प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया है। 4 से 6 अक्टूबर के लिए सीसीएफ वाइल्ड लाइफ जयपुर टीम मोहनराज, सरिस्का फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार, रामगढ़ विश्वधारी जीसीएफ संजीव शर्मा की 3 सदस्यीय ईआरटी का गठन हुआ है। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के लिए एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता, रणथंबोर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर के डीसीएफ मानस सिंह की 3 दिवसीय ईआरटी गठित। एसीएस अपर्णा अरोड़ा पल-पल की मॉनिटरिंग खुद कर रही हैं। और ऐसे में गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड को लेकर इस वक्त की एक और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की गोगुंदा से एक और दूसरी बड़ी खबर, इस पूरे ऑपरेशन के लिए उदयपुर के सीसीएफ वाइल्ड लाइफ एसआरबी मूर्ति को समन्वयक बनाया गया है। पूरे ऑपरेशन के दौरान फील्ड स्टाफ की तैनाती, संसाधन उपलब्ध करवाने सहित आपसी समन्वय के लिए एसआरबी मूर्ति को अधिकृत किया है। हॉफ अरिजीत बैनर्जी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, क्या पूरी जानकारी, गोगुंदा से क्या नई कोशिशें और की जा रही है आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए? देखिए जयती, पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है कि कोई आदमखोर हो जाता है कोई पैंथर, क्योंकि जो बाई नेचर शाही होने के बावजूद अगर वो इतना अग्रेसिव है तो निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक स्थिति है। लगातार 12-13 दिन का पूरा समय हो गया जब 7-8 लोगों की मौत हो चुकी है लगातार, आज भी हमले की, और आज तो ग्रामीण इतने गुस्सा गए, उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जबरदस्त मारपीट कर दी वहां के लोगों ने, जो कि बिल्कुल कतई उसको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वन विभाग अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से काम कर रहा है। देखिए खास बात यह है कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां की, क्योंकि मगरे बने हुए हैं, एक मकान यहाँ है तो 500 मीटर बाद दूसरा है, फिर उसके 500 मीटर बाद तीसरा है, 900 मीटर तक की पहाड़ियां, यानी 2700 से 3000 फीट तक की पहाड़ियां हैं, उस पर उसको लेपर्ड को पहचानना, उसको उसको शूट करना निश्चित तौर पर बड़ी बात है। पहली बार राजस्थान में ऐसा वो शूट एंड साइड क्या हो रहा है, लेकिन आज क्योंकि मामला अब हाथ से बहुत ज्यादा निकल चुका है, जनता भी वहां की उग्र हो चुकी है, जो कि लगातार जो सरकारी मशीनरी सरकारी कर्मचारी अगर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं वहां के निवासी, तो निश्चित तौर पर उसको संभालने के लिए बहुत जरूरी था। तो उसी के देखते हुए आज मुख्य वन जीव प्रतिपालक कुछ देर पहले पवन उपाध्याय ने जो सीडब्ल्यूडी उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और 2 ईआरटी गठित कर दिया, माफ कीजिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम गठित करनी है, जिसमें खास बात यह है कि जयपुर से ये टीमें जाएंगी, रणथंबोर और रामगढ़ विश्वधारी के भी इसमें तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया। पहली जो ईआरटी है वो 4 से 6 अक्टूबर यानी कल से लेकर 6 अक्टूबर तक इस ऑपरेशन को संभालेगी, जिसमें सीसीएफ वाइल्ड लाइफ जयपुर जो टीम मोहनराज है वो इसके अंदर है, उसके अलावा सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और रामगढ़ विश्वधारी के संजीव शर्मा है। दूसरी जो ईआरटी बनाई गई है वो 7 से 9 अक्टूबर तक इस ऑपरेशन को चलाएगी, जिसमें एपीसी से वाइल्ड लाइफ खुद राजेश गुप्ता जो सीनियर आईएफएस ऑफिसर है वो यहाँ से जाएंगे, उनको लंबा व्यापक अनुभव भी है उनको वाइल्ड लाइफ का। इसके अलावा रणथंबोर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर जो लगातार बाघों को संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं, केवलादेव के जो नए एकदम यंग चैप जिसको कहा जा सकता है आईएफएस ऑफिसर मानस सिंह, वो इसके अंदर है। तो 2 ईआरटी बना देंगे, खुद अपर्णा अरोड़ा जो एसीएस है वो लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है, खुद 2 दिन रह करके आए अभी पवन उपाध्याय वहां पर, उनके साथ राजेश गुप्ता भी जो थे, लेकिन जिस तरह की वहां मैं जैसे पहले कहा कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां जैसी, निश्चित तौर पर वो पूरे ऑपरेशन को संचालित करने में वहां वो सबसे ज्यादा आड़े आ रही है। एक तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्थानीय लोगों का सरकारी मशीनरी के साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ सहयोग न करना बल्कि आक्रामक होकर उन्हीं के ऊपर हमला कर देना, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ग्रीन आर्मी इस समय खुद पूरी शिद्दत के साथ ऑपरेशन को चला रही है, लेकिन ऑपरेशन में उनको सहयोग नहीं मिल रहा है ना तो भौगोलिक परिस्थितियों का ना स्थानीय निवासियों का, इसलिए 2 ईआरटी गठित की गई है और दोनों ईआरटी में जो 6 अधिकारी इनको एक लंबा अनुभव है, उसमें साथ साथ मानस सिंह जो है जो अभी नए आईएफएस है वो भी लगातार उन्होंने रणथंबोर में अच्छी ट्रेनिंग ली, उसके बाद वो केवला जी संभाल रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि पूरी टीम इस समय जो गई है अब इसके बाद अगर कोशिश ये की जा रही है कि एक्सपर्ट जो दूसरे उनसे भी राय ली जा रही है, आस पड़ोस के जो दूसरे राज्यों के जो एक्सपर्ट है उनसे भी फोन पे वार्ता की जा रही है, शूटर को भी मुंबई से बुलाया गया है, आर्मी के शूटर्स वहां पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के शूटर्स वहां पर मौजूद है, वन विभाग की पूरी डेडिकेटेड टीम वहां पर मौजूद है, तो कहा जा सकता है कि अब अंतिम प्रयास है ये उस लेपर्ड को आदमखोर लेपर्ड को पकड़ने के, उसकी पहचान करने के। पहली कोशिश यही है कि इस बार दोबारा भी यही कहा गया है कि क्योंकि मानवीयता दिखाई जाए, पहली कोशिश ये रहेगी अगर वो दिख रहा है तो उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, अदरवाइज उसको शूट किया जाए, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों ने आज हमला किया है वन विभाग की टीम पर तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मामला बहुत संजीदा और पेचीदगी भरा है, तो निश्चित तौर पर मुख्य वन जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने जिस तरह के आदेश जारी किए हैं, ईआरटी गठित किए, माना जा रहा है कि दोनों टीमें इन अगले 5-6 दिन के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देंगी, स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी और जो लेपर्ड है जो आदमखोर हो चुका है उसको भी या तो शूट कर दिया जाएगा या उसको पकड़ लिया जाएगा। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।